मार्केट्स न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय युवान ट्रेडिंग कंपनी डिडवी डिक्कर हमीरपुर। सभी प्रकार के पावर टूल्स, इंडस्ट्रियल टूल्स और आटा चक्की इत्यादि के लिए संपर्क करें। भाजपा के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयं सेवक अभियान के नॉर्थ जोन प्रभारी डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के आह्वान पर शुरू किया गया राष्ट्रीय स्वयंसेवक अभियान हिमाचल प्रदेश में तेजी से चल रहा है। बिंदल ने नाहर में आज भाजपा मंडल के राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक संघ अभियान के तहत आयोजित प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लिया। राजीव बिंदल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में अभियान के तहत प्रशिक्षण कार्य पूरा हो चुका है और बूथ स्तर पर प्रशिक्षण का कार्य भी अंतिम चरण में है। बिंदल ने कहा कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए बूथ स्तर पर लोगों को जागरूक करने के लिए बूथ स्तर पर 3 स्वास्थ्य प्रहरी तैनात किए जाएंगे जो लोगों को कोरोना के बारे में जागरूक करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से इन स्वास्थ्य प्रहरियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है किस तरीके से यह लोगों के बीच जाकर उन्हें जागरूक करे। बिंदल ने कहा कि कोविड-19 पहली लहर में भी पार्टी द्वारा फीड द नीडी कार्यक्रम पार्टी द्वारा चलाया गया जिसके तहत हिमाचल प्रदेश में भी लोगों तक हर संभव मदद की गई। वहीं दूसरी लहर में सेवा इस संगठन के तहत कई कार्य पार्टी द्वारा किए गए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर माननीय जगत प्रकाश नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शुरू किया गया अभियान बहुत तेज गति से पूरे देश में बढ़ रहा है। देश के लगभग सभी जिलों में स्वास्थ्य अभियान की ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है और हमारा अंतिम चरण ट्रेनिंग का चल पड़ा है। हिमाचल प्रदेश का बूथ स्तर का प्रशिक्षण अभियान पहला मंडल नाहन है जहां पर यह अभियान आज संपन्न हुआ है। हमारा लक्ष्य है एक पोलिंग बूथ के ऊपर 3 हेल्थ वॉलेंटियर तैयार करना। आज इसकी ट्रेनिंग बहुत अच्छे से यहाँ पर दी गई। 5 हिस्सों में इस ट्रेनिंग को दिया गया। विशेषज्ञों ने अपनी बात यहाँ पर रखी है। हमारा लक्ष्य है कि वो जो स्वास्थ्य हेल्थ वॉलेंटियर हैं वो अपने गांव में समाज सेवक की भूमिका के अंदर खड़े हों। किसी भी प्रकार से तीसरी वेव यदि आती है तो उसमें जन जागरण का काम करें और यदि मामले बढ़ते हैं तो वो लाइजनिंग का काम करेंगे। डॉक्टर, हेल्थ वर्कर और मरीज के बीच में काम करेंगे। हमें बधाई देनी है मोदी जी की सोच को। आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भविष्य की तैयारी के लिए जुटा है। भारतीय जनता पार्टी ने पहली वेव के अंदर फीड द नीडी करके लाखों करोड़ों लोगों को भोजन दिया, मास्क दिए, सैनिटाइजर दिए। सेवा ही संगठन के नाते दूसरी वेव के अंदर पूरे देश में भाजपा लग गई और भगवान ना करे तीसरी वेव आए उसके लिए 4 लाख हेल्थ वॉलेंटियर बनाने का लक्ष्य रखा है। 5 लाख से अधिक हेल्थ वॉलेंटियर क्रॉस कर चुके हैं और हम आशा करते हैं कि ये 8 लाख हेल्थ वॉलेंटियर देश भर में तैयार होंगे। लोगों में उत्साह है और हम सेवा की भावना लेकर के समाज के बीच में जा रहे हैं। यही विशेषता भारतीय जनता पार्टी नाहन में जिला सिरमौर में है। हमारा जिला का वर्ग संपन्न हो गया। जिला का वर्ग संपन्न होने के बाद नाहन कॉन्स्टिट्यूएंसी का वर्ग संपन्न हो गया और 30 तारीख तक हिमाचल प्रदेश के और 65 मंडलों में हमारे वर्ग कंप्लीट कर लिए जाएंगे। लाहौल स्पीति हमारे लिए थोड़ा अभी कठिन है जहां हम नहीं कर पा रहे हैं उनको 3 मंडलों को हम बात करें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज़ का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप निराश नहीं होंगे। भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहां जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार, आपके समाज से जुड़ी हुई वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज़ फेसबुक पे और यूट्यूब।